अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको दोस्त और होस्ट फिर से एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ मौजूद है अली भाई के पास। और आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होनी है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं अली भाई से। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम जवाद भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं फिर पाठ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं जवाद भाई कैसे हैं? बेहतरीन, नया साल नए ऑफर लेके आए हैं जी। जवाद भाई क्या क्या कौन कौन से ऑफर्स आज लैपटॉप्स का? जवाब भाई सिक्स जनरेशन से ही स्टार्ट कर लेते हैं इस बार। ठीक है, अच्छा जी। सबसे पहले हम जो है ना ये HP का मॉडल है 840G3। सही है। कोर i5 सिक्स जनरेशन में 8GB 256 SSD और सॉरी NVMe कार्ड है। ठीक है। बैकलाइट फुल HD डिस्प्ले के साथ। बहुत ही खूबसूरत लैपटॉप है। 1080p फुल HD में होती है ऑब्वियसली, और इसमें हाइब्रिड भी आप कर सकते हैं, ऐसे ही है ना जी? बिल्कुल जी। हाँ, इसमें वो ड्राइव भी लग जाती है इकट्ठी, कार्ड भी लग जाता है साथ। ठीक है, तो ये जो स्पेक्स बताए ये जवाद भाई जो है ना इस बार जो आपकी वीडियो के रेफरेंस से आएंगे उनको हम जो है ना इंशाल्लाह ताला, वैसे तो इसकी प्राइस 48 पे आगे स्टेबल हो गई थी, लेकिन आपने कहा यार कोई नए साल की अच्छी सी ऑफर दें, तो उस हिसाब से हम 1000 और लेस कर देंगे 47000 में जो है ना। ठीक है, इस 47000 वैसे हम ये 50000 की रिटेल कर रहे हैं, लेकिन आपकी वीडियो के जो रेफरेंस से आएगा इंशाल्लाह उनको हम 47 में या 8256। हाँ जी, ठीक है, यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं AH लैपटॉप से। और ये फी सेंटर के थर्ड फ्लोर पे शॉप नंबर 92A जनाब जी। उसके बाद जवाद भाई आ जाती है, ये मशीन है लिनोवो की, ये भी कोर i5 सिक्स जनरेशन में है। ठीक है, 460 मॉडल है इसका और 360 है, बैक लाइट फुल HD डिस्प्ले के साथ है, टच है ना 360 ऑब्वियसली। ये देखिए गाइस, जनरेशन 6 है जी, सिक्स जनरेशन। अभी वैसे इसके ऊपर ये लगा हुआ है, पेपर किया हुआ है डस्टिंग के लिए, बाकी इसकी कंडीशन भी आप उसके सामने ही है, ये देख सकते हैं। ऐसे लगते हैं जैसे लोगों के लैपटॉप को लगता है जैसे पॉलिश किए हुए हैं, फुल पॉलिश। हाँ जी, इनका लुक ही ऐसा है। लिनोवो की अब जो है ना लैपटॉप अब काफ़ी इन्होंने बेहतर कर दिए हैं। पुराने मॉडल सीरियल देखें तो वो आपको अजीब से ही लगते हैं, और इसमें इन्होंने काफ़ी बेहतरी कर दी अब जी। सर बताइएगा स्पेक्स क्या है इसके? ये जो बात भाई कोर i5 सिक्स जनरेशन में है, 460 मॉडल है, 360 के साथ है, फुल HD डिस्प्ले और 256 में वो NVMe लगी होगी। और बात आ जाएगी प्राइस की, प्राइस इंशाल्लाह हम जो है ना नए साल की नई ऑफर के साथ ये जो है ना 51000 में जो है ना वो ठीक है जी, वीडियो के रेफरेंस से सेल कर देंगे 51000 में जी। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं जी। उसके बाद जवाद भाई आ जाती है यही चीज़ ना, ये मैंने बेसिकली दिखाई थी सिक्स जनरेशन में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये X380 मॉडल है, ये भी 360 में ही है, X380 है, योगा है। ठीक है, योगा। हाँ जी, ये 360 है। सही है। और ये 16GB 256 के साथ है। तो ये वाली जवाब भाई जो प्राइस है इसकी रिटेल तो हम कर रहे हैं यहाँ तक, यहाँ पे ना 65000 तक। ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो के रेफरेंस से जो स्पेक्स बताएं पहले स्पेक्स बताएं। 16GB 256 और कोर i5 8 जनरेशन में। ठीक है, अब कितने के देंगे हमारे वो? ये जवाब भाई आपकी वीडियो के रेफरेंस से जो भाई आएंगे उनको 16GB के साथ, क्योंकि 8GB के साथ भी आता है और 16GB के साथ भी ये वेरियंट आता है। सही है। ये 16GB के साथ जवाब भाई आपकी वीडियो के रेफरेंस से हम 60000 में जो है ना वो दे देंगे। 60000। हाँ जी। और रैम इसमें 16GB है, 16GB के साथ, 16GB के साथ 60000 का। इसमें जवाब भाई ये है X380 मॉडल, वो अभी उधर कॉटन में पड़े हुए हैं। हमारे पास X370 भी है, वो 7 जनरेशन में है। ठीक है, ठीक है। वो भी स्पेसिफिकेशन सेम ही होगी, कोर i5 7 जनरेशन होगी और 16GB रैम और 256 के साथ, वो जो है ना वो हम 53000 में दे देंगे। बाकी वो सुनाए अपना साहिवाल शॉप का क्या सीन है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जवाद भाई वो भी अच्छी चल रही है शॉप। ठीक है, वो बल्कि आप टाइम ही नहीं हमें देते, आपको कहा था यार वो भी कोई नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ दें टाइम, फिर इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे जो। ठीक है, हाँ प्राइस इंशाल्लाह उसमें भी आपने बनाई थी पहले वीडियो, अच्छा रिस्पांस आया सबका। ठीक है जी। और ये जवाद भाई जो है ना लिनोवो की है T470S। ठीक है, ठीक है। ये i7 6th जनरेशन है। ठीक है, ये i7 6th जनरेशन है जी, 256GB इसके अंदर ऑब्वियसली, और इसमें रैम जो है ना इस बार 20GB के साथ ही आई है। 20GB आ गई है? हाँ जी, पहली बार देख रहा हूँ 20GB। हमने चेंजिंग नहीं की, सही कह रहे हैं आप। हाँ। ज्यादातर 8GB और 256 होते हैं, कुछ ऑप्शन का होता है वो चेंज कर देते हैं। इसमें स्लॉट्स क्या होंगी फिर? स्लॉट्स इसमें मेरा आई थिंक जो है वो, हाँ जी नहीं, एक ही स्लॉट होती है, 16GB का वो मॉड्यूल सिंगल लगा होगा, 4GB इसकी बिल्ट इन आती है। बिल्ट इन आती है बैटरी, तो आपको पता है इसमें ड्यूल आती है। वो हैरान होगा, 20GB की तो
नहीं जवाब भाई, ये किसी खराबी से नहीं लगवाई हमने ये बिल्टन आई है, आप सोच रहे हैं कि पता नहीं कि पाकिस्तान में जुगाड़ भी तो बहुत लगते हैं ये जुगाड़ ही ऐसा नहीं है, इतने हमारे खराबी कामयाब नहीं हुए जी यार क्या बात है गाइस, ये 20 GB और 256 इसके। हाँ जी, तो ये कुछ भाई यार कहते हैं यार ये रैम आप 8 GB के साथ दे दें, या मतलब हमें जो है ना वो 16 GB वाला मॉड्यूल निकाल लें, तो यार ये इन चक्रों में हम पढ़ते नहीं है, कोशिश ये होती है जो चीज़ लगी है ये उसी के साथ ये कहते हैं जैसे लैपटॉप आता है हम वैसे देते हैं। जी सर ये कितने की देंगे हमारे? ये जवाब भाई 20 GB 256 के साथ आपकी वीडियो के जो रेफरेंस है उनको फुल एंड फाइनल जो है ना 58 के में जो है ना 58K में गाइस आप देख लेते हैं, और i7 6th जनरेशन है। हाँ जी i7 है की जी। इसके बाद HP की तरफ चलते हैं। हाँ जी, आपका आपकी फेवरेट सीरियल आती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी, ये पहले ये ना जवाब भाई 840G5 है। ठीक है, ये 7th जनरेशन में ना कम आता है, क्योंकि हर यूज़र की यही जो है ना एक चॉइस होती है कि यार HP का न्यू लोगो, या आपको पता आजकल न्यू लोगो का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है जी, न्यू लोगो में ही मशीन चाहिए। तो ये 7th जनरेशन में है ये न्यू लोगो में, हालांकि G4 जो है ना वो ओल्ड उसमें ओल्ड में आती है। ठीक है, 7th जनरेशन में है, 8 GB और 256 के साथ है ये। ठीक है, ऐसे ही है। ये आप कंडीशन भी दिखा सकते हैं इसमें 840G5। ठीक है, फुल HD डिस्प्ले और बैक लाइट कीबोर्ड के साथ है, बाकी आप कंडीशन इनको जो है ना वो दिखाएं। ये गाइस आप देखें HP की एलीट बुक है, बैंग एंड ओल्फन के इसके अंदर स्पीकर्स आते हैं, और HP i7 है ये जी। नहीं नहीं जवाब भाई, ये i5 7th जनरेशन है, 8 GB और 256 के साथ है, 840G5 ठीक है, 840G5 मॉडल है, फेमस है। ठीक है जी, ये कितने का देने जा रहे हैं अली भाई हमारे? ये जवाब भाई आपकी वीडियो के रेफरेंस जो है उनको हम दे देंगे 64,000 का। 64,000 का गाइस आप ये हासिल कर सकते हैं। ये न्यू लोगों में है, बस यही सवाल होता है जी, न्यू लोगों में हमें कोई दिखाएं कम बजट में। ठीक है, तो ये सेम वही चीज़ है जो 8 जनरेशन में आती है, सिर्फ जो है भी G5 है। ठीक है, तो सिर्फ जो है ना इन्होंने जनरेशन का डिफरेंस दिया है, ये 7th में है। ये देखेंगे साथ यही मशीन पड़ी हुई है, ये भी 840G5 है। ये आप कैमरा यहाँ पे करके दिखा सकते हैं, i5 8th जनरेशन। हाँ जी, स्पेसिफिकेशन सेम है, 840G5 है और 8 GB 256 इसकी जो है ना वो स्पेक्स लगी हुई है। मॉडल इन दोनों के सेम है। हाँ जी, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यू लोगों में 7th जनरेशन आता कम है। ठीक है, ठीक है, तो यही है ना कि वो वैसे पहले मुझे 840G5 बस ये पता था कि 8th जनरेशन में आते नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आते हैं लेकिन कम आते हैं, आते हैं वो इसलिए मंगवाए थे यार। कुछ लोगों का यही कहना होता है कि यार कम बजट में हमें कोई मतलब न्यू लोगों में मिल जाए। अब ये वाली मशीन जो है ना जवाब भाई आपकी वीडियो के रेफरेंस जो मांगेगा उनको हम देंगे ये फुल एंड फाइनल जो है ना 69,000 की गाइस, आप ये 840G5। अब देखिए ये 69 की है और ये 64 की मैंने कोड कर दिया, और 5-6 हज़ार रुपये का डिफरेंस इजीली आ जाता है। जी जी बिल्कुल, और ये जो वीडियो में प्राइस दी जाती है जवाब भाई ये ऑलमोस्ट फाइनल ही होती है। बाज कस्टमर बड़े मैसेजेस करते हैं तो फिर बार्गेनिंग करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। वीडियो बनाई इसलिए जाती है कि यार प्रमोशन की जाए, उसमें अच्छी प्राइस दी जाए, अदरवाइज रिटेल तो हम आपको पता है ज़्यादा ही प्राइस कर जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, डेल का लैपटॉप है गाइस, ये डेल में ना जो भाई अच्छा ये हम ना आगे दिखा रहे थे 840G5 8th जनरेशन में, अब ये डेल में भी 8th जनरेशन है। ठीक है, ये आप दिखा सकते हैं मॉडल क्या है, मॉडल नहीं बताइए। मॉडल इसका है जो भाई हम बताते हैं, ये है 7400 लैटिट्यूड, 7400 है ये कोर i5 होगा ऑब्वियसली, कोर i5 8th जनरेशन 8256 में होगा। ऐसे ही है जी? जी जी 8256 इसमें स्टैंडर्ड स्पेक्स के साथ। अब बैटरी टाइमिंग का मैं वैसे क्वेश्चन जो भाई ऑलमोस्ट जो भी मशीन हम देते हैं ना उसकी बैटरी टाइम 1.5 घंटे की तो हमारी वो कंफर्म वारंटी होती है, लेकिन इनका टाइम ज़्यादा होता है। ठीक है, कई बार क्लाइंट ऐसे हम उनको बैकअप देते हैं जी आपने 1.5 घंटे का कहा था ये तो 4 घंटे बैकअप देगी, हमें भी पता है इनका बैकअप ज़्यादा है, लेकिन हम 1.5 घंटे की वारंटी इसलिए देते हैं कि यार कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, ये ना हो कि पता नहीं बिल्कुल वारंटी बैकअप दे ही नहीं रहे। ठीक है, ये कितने का देंगे सर हमारे व्यूअर्स को? ये जो भाई आपके जो वीडियो के रेफरेंस आएगा इसमें 7490 मॉडल है, 7400 है, ये सेम सीरियल है और सेम ही कैटेगरी है। इनमें जो आपकी वीडियो के रेफरेंस आएंगे उनको हम ये मशीन दे देंगे 63,000 की। 63,000 की आप ये AH लैपटॉप से हासिल कर सकते हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पे जो है भाई हम आ जाते हैं अब 10th जनरेशन पे जो है ना वो आ जाते हैं हम। ठीक है, 10th जनरेशन पे ये डेल में है, ये फिंगरप्रिंट दिया हुआ है इन्होंने, सही है। ये 16 GB और 256 के साथ है और टच स्क्रीन में होगी ये मशीन। ठीक है, टच स्क्रीन में है ये जी, 10th जनरेशन है।
और ये डेल का मॉडल है 54 54 लैटिट्यूड 10 जनरेशन कोर i5 होगा। और स्पेक्स मुझे बताइएगा ज़रा सर। ये जवाब भाई 16 GB और 256 कोर i5 10th जनरेशन मॉडल आपने बता दिया 54 लैटिट्यूड। कितने का देंगे सर? ये जवाब भाई टच स्क्रीन के साथ है, हम वैसे टच के पैसे ऐड नहीं करते, सिर्फ वैसे बताने का मकसद ये है कि क्लाइंट टच में लेना चाहे तो टच में ले रहे, नॉन टच प्राइस इसकी सेम ही होगी। ये जवाब भाई आपकी जो वीडियो के रेफरेंस आएगा उनको हम ये देंगे फाइनल 93,000 के। ठीक है गाइस, 93,000 में आप हासिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं, ये भी डेल का ही है आई थिंक सो, और ये आई थिंक 15.6 में है। जी ये डेल की कोर i5 10th जनरेशन में बिल्कुल बॉक्स पैक कंडीशन में मशीन है। इसमें ये कि ये कम बजट में 10th जनरेशन की मशीन है। अब अगर हम मतलब यही चीज़ HP पे जाएंगे तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ठीक है, तो ये कि डेल में प्राइस जो है ना वो कम होती है, डेल HP ज़रा लग्जरी है, थोड़ा खूबसूरत भी है। तो हिसाब से तो ये इसमें क्या स्पेक्स हैं अभी ये जो डेल का लैपटॉप आप सॉरी स्पेक्स मुझे बताइए। ये जवाब भाई इसमें 16 GB है और 256 विद नम पैड है। ये कितने का देंगे सर? ये जवाब भाई आपकी जो वीडियो के रेफरेंस से आएगा उनको हम दे देंगे 1,05,000 रुपये की मशीन। ठीक है गाइस, 16 GB 256 के साथ 1,05,000 रुपये का ये लैपटॉप यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं HP। उसके बाद जवाब भाई ये देखें, ये अब ये भी 10th जनरेशन है और ये HP में 10th जनरेशन है 850G7। हाँ दिखाइएगा मुझे कीबोर्ड इसका खोल के। जी मैं दिखा दूँ, मेरी तरफ कर दीजिएगा कीबोर्ड। हाँ जी इस तरफ, जी बिल्कुल, ये देखिए गाइस। और ये को HP के लेट बुक मॉडल नेम क्या है जी इसका? 850G7। हाँ 850। अच्छा ये आती जो जितनी भी है ना ये नम पैड के साथ HP में मोस्टली 850 मॉडल होता है ये। जी बाकी जी आगे G7 लग गया, इसमें G5 भी G6 G5 भी पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब 50 लग गया तो समझ लें ये नम पैड के साथ। हाँ जी 50। ठीक है जी, और मुझे बताएंगे इसमें स्पेक्स ज़रा। ये जवाब भाई 16 GB 256 के साथ है, कोर i5 10th जनरेशन 850G7 इसका मॉडल है, फुल HD डिस्प्ले के साथ है, फिंगरप्रिंट भी है, फेस लॉक वगैरह सब कुछ इसमें जो चीज़ें होती हैं। अच्छा ये जवाब भाई फिंगरप्रिंट और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, ये अब कस्टमर पूछते हैं यार ये चलते हैं कि नहीं, 99% तो ये चल जाते हैं लेकिन हम इनकी वारंटी नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक इजाफी चीज़ है, हम उस चीज़ की वारंटी देते हैं, जैसे कि कैमरा नहीं चल रहा, साउंड नहीं चल रहा या वाईफाई नहीं चल रहा, उस चीज़ की हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये चल जाते हैं फिंगरप्रिंट वगैरह ना। ठीक है, कितने का सर ये देंगे? ये जवाब भाई आपकी वीडियो के रेफरेंस से जो आएगा उनको हम देंगे 1,22,000 रुपये का। 1,00,000। अब देखिए यही चीज़ आप आगे आपने कवर की है डेल में, वो 1,05,000 रुपये का, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। जनरेशन सेम है। हाँ जनरेशन सेम है, स्पेसिफिकेशन सेम है, सिर्फ ये कि HP खूबसूरती है। और मेरा वैसे अपनी एक सजेशन है कि डेल चलने में डीट है। और लिनोवो आप कहें तो लिनोवो उससे भी आगे है, लिनोवो एसर तोशिबा, ये हमारे पास इधर पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन गया है डेल HP। मतलब इस तरह कह सकते हैं डेल थोड़ा HP मम्मी डैडी है। हाँ बस ये कह रहे हैं, DHA की वैरायटी है ये कह रहे हैं। जवाब भाई मैं आपके जज्बात समझ रहा हूँ, ऐसे ऐसे बता रहा हूँ कि मम्मी डैडी कह सकते हैं और उसको कह सकते हैं आप डेल को कह सकते हैं, देसी देसी मुंडा बिल्कुल। और मुझे लिनोवो रह गए यार, लिनोवो कितने भाई? नहीं लिनोवो भी ठीक है यार, लिनोवो किसे पास। अच्छा ये ना एक साइकी है ना, देखिए हर बंदा अपनी सोच के थिंकिंग के मुताबिक वो चीज लेता है। अब कुछ हमारे पास आते हैं वो जी वो लिनोवो के ही वो यूजर है तो वो कहते हैं जी हमें डेल HP, अगर हम उनको अच्छी वैरायटी भी दिखाएं वो कहते हैं जी लेने ही लिनोवो है। और हम अगर किसी आम HP यूजर को या डेल वाले यूजर को गाइड कर देंगे यार लिनोवो के अच्छी में, वो कहते हैं जी नहीं नहीं हमने लेना ही HP है। तो ये चीज़ें मैं तो ये कहता हूँ कि चलने पे ज़्यादा जो यूज़र होते हैं देखें इनके अंदर जो बेसिकली परफॉर्मेंस देखी जाए सब में जो थर्ड पार्टी इंटेल ही लगा हुआ। हाँ जी और बिल्कुल ऐसे जो है। भी है रैम है सारी थर्ड पार्टीज की होती है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग हाँ जी इंटेल ही है बिल्कुल। लुक्स मैटर करते हैं, डिपेंड करता है, बाकी इन्होंने कहा जी DHA की वैरायटी है ये भाई। मैंने कहा मैं आपके वो फीलिंग को समझ रहा था, आपने कहा भाई। अच्छा जी देखिए कमेंट में कुछ आ सकता है भाई, तैयार है फिर? नहीं नहीं कमेंट्स में क्यों, हमें यार हम कौन सा कोई गलत बात कर रहे हैं। जी सर, इसके बाद नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं, बता दी प्राइस इसकी? हाँ जी ये 122 आपने बताई है जी, ऐसे ही है जी। इसके बाद जो है ये 850, ये था 850 G7 बिल्कुल ऐसे ही, और ये 850 G5 था कोर i5 8th जनरेशन में। ठीक है, ये दिखाना वैसे पहले चाहिए था 8th जनरेशन में ये। अच्छा ये 8th जनरेशन में जी। और गाइस लुक्स देखें सेम ही है, स्पीकर्स का थोड़ा डिफरेंट है वहाँ पे। हाँ जी वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये कह लें कि ये वो G7 है G5 है बस। ठीक है, इसमें हमारे पास G6 भी पड़ा है G5 भी पड़ा है, ये आते 8th जनरेशन में ही है दोनों। जी ये कितने का देंगे, स्पेक्स बताएं पहले? ये जो बात भाई 850 G5 है, 16 GB 256 और
बैकलाइट तो सॉरी नहीं इसमें आता, अच्छा सही इनमें बैकलाइट नहीं आता, हाँ फुल एच डी डिस्प्ले है, फिंगरप्रिंट वही चीज़ें जो उसमें थी ये सारी चीज़ें इसमें ऐड है। बाकी प्राइस की बात है तो ये जवाब भाई हम 90,000 में देंगे, बल्कि चले नए साल की ऑफर है तो 90,000 से 1,000 लेस कर देते हैं, चले जी 89,000 भाई। 89,000 मतलब उसमें एक चीज़ और भी है कि ये हमारे पास टच में भी पड़े हैं और नॉन टच में भी, जो यूज़र टच में लेना चाहे या नॉन टच में चॉइस कस्टमर की प्राइस सेम, प्राइस सेम जी। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए और डिलीवरी वाला अक्सर वो पूछते हैं जी हम COD वगैरह तो नहीं, आपको पता है जवाब भाई माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप बनाया हुआ है, मार्केट के अंदर बैठे हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बेचते हैं सामान, और ये बड़े भाई फ़ोन करके कहते हैं जी पेमेंट का क्या शेड्यूल है, पेमेंट हम पहले ही लेते हैं, बाकी चीज़ आपने आपको पता आप तो हमारे सेटअप पे आते रहते हैं तो जो चीज़ें इंशाल्लाह ताला वो प्रोवाइड जी। हाँ कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर रहे, बाकी आप वो ये होता है कि आप ये जब भी आपको ऑनलाइन कहते हैं पहले पेमेंट देनी पड़ती है फिर डिलीवरी करते हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल पर चलते वो हम वीडियो बना के कवर करके प्रॉपर फिर जो है डिस्पैच करके आपको दिखाते हैं, पहले वीडियो बना के सेंड करते हैं जी। ये भी हो गया आगे जवाब भाई, हाँ। ये मॉडल आ गया है, अब हम i7 10th पे आ जाते हैं, i7 10th और मेरे ख्याल से इसके अंदर 512 जो है SSD है ना और 32 GB स्पेसिफिकेशन लिखी हुई रैम है, 840G7 है गाइज, ये 840G7 10th जनरेशन में ही आता है और स्टैंडर्ड साइज 14 इंच आई थिंक 14 में ही होगा जी। ये ज़रा इसको कीबोर्ड दिखाइएगा ज़रा जी जी जवाब भाई, ये बैक लाइट कीबोर्ड के साथ है, फिंगरप्रिंट फुल HD डिस्प्ले के साथ है, ठीक है 32 GB रैम है और 256 इसके अंदर 512 है, कितने का मिलेगा सर ये? ये जवाब भाई ये 850G7 मॉडल है, सॉरी 840G7 मॉडल है, i7 10th जनरेशन 512 और 32 GB। वही सवाल है कि अक्सर कस्टमर कहते हैं जी नहीं 32 के साथ नहीं हमने 16 के साथ लेना है, ठीक है तो ये लगी 32 आई है, हम इनको बड़ी मशीनों को जो है ना ये चेंजिंग नहीं करते हैं, जो चीज़ लगी है ये 32 के साथ कितने की भाई? 32 GB के साथ लास्ट टाइम तो इसकी हमने काफ़ी मतलब प्राइस दी थी, लेकिन आपने कहा यार कोई नए साल की नई ऑफर निकाल दें, तो ये जवाब भाई फुल एंड फाइनल जो आपकी वीडियो का रेफरेंस आएगा उनको हम देंगे 142K में, ठीक है 142K में। आज ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप भी कवर करते हैं, किधर है ग्राफिक कार्ड? हाँ बिल्कुल वो भी लास्ट में मैं दिखा देता हूँ जो जी, तो ये जो प्राइस मैंने इसकी दी है ये ऑलमोस्ट फाइनल ही, क्योंकि पहले इसका समझ लें कि पुरानी वीडियो के हिसाब से अभी तक हमने कोई 5-7 हज़ार रुपये का फर्क कितने दिए 142K, ठीक है 142K, ठीक है ओके जी। उसके बाद जो भाई ये भी मॉडल है ये थी 840, ये है 1040, ठीक है 1040 1040G7 i7 10th जनरेशन i7 1040 बेजल, आज देखें स्क्रीन टच मुझे लग रही है जी जी, ये 360 है लैपटॉप है, खूबसूरत लैपटॉप है यार, मतलब कंडीशन भी बिल्कुल बॉक्स पैक कंडीशन है, लेकिन बॉक्स पैक है नहीं है ये डायमंड कट नुकरा भी देख लो तुसी नजर आ रही नुकरा डायमंड कट के साथ जैम कट डायमंड कट कट्स के भी नाम है भाई, जैम कट ये डायमंड कट इसको बोला जाता है इनकी टेक्निकल टर्म में, टच 360 और मैं आई थिंक स्टील बॉडी सारी स्टील एल्युमिनियम, हाँ जी हाँ जी एल्युमिनियम स्टील की बॉडी होती है, एल्युमिनियम की होती है जी सर। स्पेक्स बताएं मुझे इसके, ये जो भाई 1040G7 है i7 10th जनरेशन 16 GB और 512 इसकी रैम बिल्टन आती है 16 GB, सही हो गया। ये कितने के देंगे सर? ये जवाब भाई इसके सिर्फ हम 360 के ही पैसे ऐड कर रहे हैं, ये 145K में जो है ना आपके व्यूअर्स को दे देंगे जो वीडियो के रेफरेंस में हमारे 145K चलें जी बेहतरीन, 1,45,000 रुपये। अब ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप भी दिखा दें जी जी, जवाब भाई ग्राफिक में भी दिखा देते हैं। और ये गाइस दोबारा बताता है चलूँ, ये शॉप हफीज सेंटर 3rd फ्लोर पे 92A इन्होंने बोला, वहाँ आपको AH लैपटॉप अली भाई आपको नजर आएंगे मिलेंगे जी। जवाब भाई ये एक ना ये भी बल्कि फायरफ्लाई भी जो है ना फायरफ्लाई है ये मॉडल 840G8 है आई थिंक इसका, ठीक है मॉडल G8 है ये G8 है फायरफ्लाई है, किसको नहीं पता इसका 16 GB और 256 के साथ फुल झड़ी है ये 11 जनरेशन, ये जारी बात है जो शौकीन है उनको पता ही है क्या चीज़ है आम यूजर तो और ऑब्वियसली इसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी होगा नहीं जो भाई इसमें ग्राफिक नहीं है विदाउट ग्राफिक ही है वैसे होता है अच्छी मशीन नहीं वो बिल्कुल सही है, वो नम पैड में आती हैं बड़ी मशीन आती है 15-6 में, ठीक है सही। तो ये ऑल द स्पेक्स कितने के देने जा रहे हैं? ये जवाब भाई स्पेस ग्रे कलर में मैकबुक ही लग रही है, हाँ जी जी सर बिल्कुल मैकबुक में भी ये कलर आता है। ये जवाब भाई जो इसकी स्पेक्स हैं वो है i5 11th जनरेशन 16 GB रैम और 256 वही सारी चीज़ें ऐड हैं इसमें जो नॉर्मली लैपटॉप में
होती हैं लेटेस्ट मशीनों में। ठीक है, तो ये जो है भाई आपकी वीडियो के रेफरेंस से जो हमें कॉल करेगा इंशाल्लाह ताला, इसके तो कह लें चंद ही पीस हैं, आपको पता है फायरफ्लाई अभी न्यू टेक्नोलॉजी है तो लिमिटेड सा स्टॉक आता है, इसके ज़्यादा पीस नहीं है, तो इंशाल्लाह जो कॉल करेगा तो जिसकी किस्मत में होगी कुछ तो हमने भेज ली, इधर ही रिटेल कर लिया। कितने ही देंगे ये जो है भाई वीडियो के रेफरेंस से आपके जो है ना हम ये फाइनल प्राइस की 135K यहां से हासिल कर सकते हैं लैपटॉप से जी। इसके बाद कवर करते हैं नेक्स्ट मॉडल, और गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को हम सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आ सके और आप इन्फॉर्मेशन ले सकें। जी ये क्या पावरफुल बैंक पावर, लास्ट में आपने कहा यार को ग्राफिक में भी दिखा दिया ऑप्शन, ये जवाब भाई ज़ीबुक है 17 ज़ीबुक G3 17। ठीक है, इसमें ज़ीबुक G3 जो है ना वो 15 में भी है और 17 में भी है, दोनों हमारे पास। ये 17 वाला वेरिएंट है जो मैं, यानी 17 का मतलब कि इसका डिस्प्ले 17 इंच का, 15.6 में भी आता है और 17 में भी आता है। ये i7 6th generation में है और इसमें 4GB का डेडिकेटेड कार्ड होता है एनवीडिया का। ठीक है, आई थिंक क्वाड्रो M3000 होता है जी। तो और ये जनरेशन कौन सी है? ये कोर i7 6th generation HQ प्रोसेसर के साथ है, तो HQ हाई एंड रेंडर के लिए अच्छी मशीन है ये। ठीक है जी, ये कितने के देने जा रहे हैं? ये जवाब भाई जो है ना 32GB रैम और 512 NVMe कार्ड के साथ, और इसमें कस्टमाइज की बड़ी अच्छी ऑप्शन है, 4 मॉड्यूल दिए हुए हैं रैम के, इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, 2 NVMe की स्लॉट है और एक हार्ड डिस्क की भी स्लॉट दी हुई है इन्होंने। बाकी प्राइस की बात है तो वो इंशाल्लाह आपकी वीडियो के रेफरेंस जो आएगा उनको हम ये मशीन देंगे 1,20,000 रुपये की, 1,20,000। स्पेसिफिकेशन 32GB और 512 NVMe के साथ। चलें जी, बेहतरीन हो गया। और फिर एक डेल का भी लैपटॉप है आई थिंक सो, ये भी ग्राफिक कार्ड वाला ही होगा शायद, 75-30 उस तरफ जा रहे हैं। जवाब भाई आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सारा कुछ देख लें, जज करते जा रहे हैं, 75-30 मॉडल है डेल प्रिसीजन। बिल्कुल, ये पॉपुलर सीरीज़ हैं, ये लोग जानते हैं जनाब, प्रिसीजन 75-30। और मेरे ख्याल से अब जनरेशन आप ही बताएंगे इससे पहले कि मैं गलती कर दूं। नहीं कोई बात नहीं, आप अंदाज़ा तो लगाएं यार, क्या गलती हो यार, ये 75-30 जनरेशन 8 ये i7 में है, जनरेशन आप आइडिया लगाएं कौन सी हो सकती है, ये 7th होगी, ये बस आस पास ही पहुँच गई i7 8th generation में। हाँ मैंने पहले 8th कहा था वैसे, आपने सुना नहीं शायद, 75-30 i7 HQ प्रोसेसर में i7 8th generation है और 16GB और 512 के साथ है ये। ठीक है, 16GB 512 के साथ बैक लाइट फुल HD डिस्प्ले के साथ है ये। ये देखिए गाइस आप देख रहे हैं सामने, आप जो है तो कंडीशन देख सकते हैं, और ये होती है यूज़ में है लेकिन आप कंडीशन आपके सामने ही। जी सर ये कितने? ये तो जवाब भाई ये तो एक एग्जांपल आप समझ जाएंगे, ये समझ ना गोरे हमें लंडा भेज रहे हैं आप। अच्छा आसान लफ्ज़ों में आपको बता दूँ इससे, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कंडीशन बिल्कुल ऐसे ही है कि यूज होते हैं, लेकिन ये कि ये लोकल यूज नहीं होते। एक और बात भी है ना, गोरे चीज़ को भी संभाल के, हाँ हमारे इस्तेमाल में, और बिल्कुल अगर आप उनका लंडा भी यूज़ करेंगे मतलब कि वो बिल्कुल एक प्रॉपर वे यूज़ करते हैं ना, हमारे नहीं लगाया रात को चार्ज पे, सुबह उठ के चार्ज ही लगा हुआ है, बिल्कुल सो गए आप तो हमारे यहाँ पे तो यही है ना सिस्टम, कुछ अरसे बाद लैपटॉप लोकल यूज हुआ तो वो किए पेंट उतरा होता है डेल हुआ होता है वो पता चल जाता है। एक और बात बताते ना गोरों की, हम लोग तो अपना नाश्ता भी मिस कर देते हैं ब्रेकफास्ट, अगर वो रात को भी 6 बजे भी रात मतलब सुबह टाइम भी घर पहुंचे ना तो वो नाश्ता करके सोएंगे, मतलब दे आर नॉट लाइक हमारे जैसे यार बेसिकली प्रोफेशनल्स होते हैं, हमारे भी प्रोफेशनल्स लोग हैं, हम ऐसे नहीं कह रहे कि पाकिस्तानी बहुत बुरे हैं भाई, अच्छे हैं, लेकिन चीज़ जब यूज़ करते हैं तो उस वक्त नहीं अच्छे, उस तरह से वो एहतियात नहीं करते। सर ये कितने के देने जा रहे हैं? ये जवाब भाई आपके व्यूवर्स को देंगे हम मशीन i7 8th generation 4GB डेडिकेटेड कार्ड 16GB और 512 के साथ, जो आपकी वीडियो का रेफरेंस आएगा उनको हम देंगे 1,23,000 रुपये में, 1,23,000 की। जी इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। जवाब भाई लगता है आपको सर्दी लग रही है आज? नहीं नहीं सर्दी हाँ काफ़ी है वैसे लाहौर में, अभी आपकी शॉप पे नहीं लगा। पहले तो इसका मॉडल जवाब भाई आपको बता दें, इसका मॉडल है 3541 प्रसीजन। ठीक है जी, 3541 HQ प्रोसेसर के साथ है, ये है i7 9th generation 512 NVMe 32GB टच स्क्रीन और 4GB डेडिकेटेड कार्ड के साथ। ठीक हो गया, इसकी कंडीशन भी आप दिखा दें, ये देखिए गाइस आई थिंक ये मेरे ख्याल से 15.6 जी बैक लाइट और फुल HD डिस्प्ले के साथ। गाइस आज मैंने 15.6 वाली मशीनें भी कवर कर दी जी सर। ये अक्सर हमारी वीडियो में ना कमेंट्स में आ जाते हैं कि जवाद भाई ग्राफिक वाली मशीनें भी कुछ कवर किया करें, तो मॉडल तो और भी वैसे हैं तो ऑन द स्पॉट क्लाइंट फ़ोन करके पूछ सकते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल
कहते हैं ना कि एक फॉर्मेलिटी पूरी की है कि चलें यार जी वो बता दें आपको। ठीक है, ये कितने के देंगे सर स्पेक्स तो एक बार रिपीट करके जवाब भाई। ये i7 9th generation है, 32 GB 512 और NVMe 512 है और इसमें टच स्क्रीन है और 4 GB डेडिकेटेड कार्ड भी है इसमें। ठीक है सर, ये जवाब भाई आपकी वीडियो के रेफरेंस से जो अभी हमें फ़ोन करेगा उनको हम ये मशीन देंगे 135K में, 1,35,000 रुपये में। ठीक है जी, 1,35,000। मोस्टली आज हमने लैपटॉप्स के अंडर 150K के बजट में ज़्यादातर लैपटॉप्स थे और इसमें 11 जनरेशन भी थी, 10 थी, 8 थी, 7 थी। अपना लाजमी फीडबैक इजहार कीजिएगा जब भी आप अली भाई से मिल लें और मस्ट शेयर योर फीडबैक ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच सर जी। और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे, एड्रेस बताएंगे आई थिंक सो। जवाद भाई कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 03224213110 और शॉप का एड्रेस है गुलबर्ग 3 हफीज सेंटर 3rd floor 92A। शॉप का नंबर है AH लैपटॉप के नाम से मेरी शॉप है और जो साइवल वाली शॉप है सेकंड उसका भी नंबर आप वो मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, वो दूसरे सिटी से लोग हैं वो हमारी उस शॉप से भी सामान ले सकते हैं और इसी ऑलमोस्ट ये कोशिश यही होती है कि इसी प्राइस पे ही, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है तो वो जो अदर सिटी है जो उनके साथ लगते हैं उकाड़ा है पत्तों की छोटे छोटे सिटी हैं वो बजाय लाहौर आने की बजाय उधर से साइवल से भी ले सकते हैं, मेरी ही शॉप है वो। चलें जी अली भाई, बहुत शुक्रिया जी आपके कीमती टाइम का और आपने जो स्टॉक की अपडेट हमें स्टॉक्स के हवाले से अपडेट किया, थैंक यू सो मच सर जी। अल्लाह हाफिज़, दोबारा फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। इस वक्त आपको दोस्त आपका उस RJA 5 नफी सेंटर लाहौर से एच लैपटॉप से जाना चाहता है। अल्लाह हाफिज़।